हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। कल से यार काफी वीडियो पूरा जा और ये वो बंदा है जो कहते हैं एआई की भी मार के रख दी है। इस बंदे ने एआई को बीट कर दिया। ये ऐसा हर बंदे की मतलब रूप में ढल जाता है कि मैं आपको बता, इसकी हमने एक वीडियो देखी थी ध्रुव राठी की, जो मतलब इसने मतलब हाँ। एक्टिंग की थी आलोक यादव लोगी। लेकिन कल एक वीडियो आया, इसने आग लगा दी है। कौन सी होने लगी है देखते हैं। दी ऑल इंडियन रैपर्स पूरब झा का ये मतलब सिंपल सा टाइटल है। लगता है इंडियन रैपर्स को मतलब एक तरीके से वीडियो उनके ऊपर बनाई है, तो मजा आएगा। देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। यार काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। फिर इसमें तो हमने वीडियो भी बनाई है यार। अबे ये तो बिग डॉग वाला हनुमान का है। अबे सेम एक्टिंग कर रहा है यार। अबे सेम कर रहा है उसकी तरह। अबे इसके अंदर भी बैठा हुआ है। सिर्फ और ये ही कर रहा है लग रहा है यार। है यकीन नहीं आ रहा। सेम एक्टिंग यार। और ये ही गाली कर रहा है। भाई क्या एक्टर है यार। देखा एआई को भाई पीछे छोड़ दिया। अब ये इंटरव्यू करें स्टार्ट। वेट अ मिनट। या स्टार्ट अब करें। या सो हनुमान काइंड, आर यू लविंग ऑल द प्रेज दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द वर्ल्ड? सही बात है साला, किस्मत का खेला हो तो बगला भी हंस बन जाते। नहीं इससे तो बहुत बेहतर रैपर देखे मैंने। I know, bro. It's a boy, Asim, bro. You know, Asim. I'm fucking greater than anyone, bro. You know what? Asim, rap. ये सब कुछ नहीं है, bro. जो शोरत मैंने देखी है, वो इधर किसी ने नहीं देखी, bro. Asim, you know what? आज से 4-5 साल बाद भी यहाँ हूँ ना, तो मेरा सेम बज होता है, bro. ये आजकल बड़ा चला है। सब मेरे को देख के एक ही चीज़ बोलते हैं, bro. क्या बेंचो? यही कि ये गांडू है कौन, bro? You know what? You're my one, bro. You all live in it, bro. पिछले 6 महीने में मैंने 4 गाड़ियां बदली है ब्रा, और 5वीं बदलने वाला था लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया चोरी करते हुए ब्रा। गांड पे बहुत मारा ब्रा, अभी तक दर्द होता है ब्रा। दिस इज माय वर्ल्ड बट व्हाट्स योर सीन ब्रा? अरे सीन क्या यार, इसको देख रहे हो ये हनुमान काइंड? तुम्हारे लिए होगा हनुमान काइंड, मेरे लिए मेरा हन्नू है हन्नू। मैं और ये मौत के कुएं पे पैसे इकट्ठे करते थे। वाओ, फिर कूड़े पे जाते थे लाल किंगफिशर और छोटी गोल्ड पीने। सीरियसली ब्रा? नहीं इसने पिछले दिन एक स्टेटमेंट दी थी उसपे बड़े इंडियन दबे। किसने? हनुमान गाइंड। क्यों, क्या दी थी तुमने? आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, आई एम रैपर फ्रॉम इंडिया। लेकिन बात ये नहीं है। अच्छा, बात ये है कि मुझे भूल गया यार, बड़ा बनके मुझे भूल गया। और ऐसा है क्या, क्या रैप करता है ये? गा तो मैं भी लेता हूँ। व्हाट, यू कैन सिंग ब्रो? ये जलने वाला है, जलने वाला है। भाई साहब मेरा नाम बावला छोटू है, लेकिन मुझे छोटा समझने की गुस्ताखी मत करना। मेरे बाप दादा हारमोनियम उठाकर गरीब रथ से लेकर राजधानी हर ट्रेन में गाया करते थे, आपको क्या बताऊं मैं? उसको भीख मांगना कहते हैं ब्रा, एंड यू नो व्हाट, मेरे से अच्छी कोई भीख नहीं मांग सकता ब्रा। और आज भी सिद्धार्थ के नाम पे रेलिवेंट रहने की भीख मांगता हूँ ब्रा। यू नो व्हाट, आई एम द बिगेस्ट भिखारी। यू आर नथिंग ब्रा, नथिंग ब्रा, नथिंग ब्रा। सुन सुन, मुझसे बदतमीजी मत कर, मैं उठा के यहीं पटक दूंगा। कम बोल ले, मारूंगा मुक्का मैं। शक्ल से गांडू तू, लगता भी लुक्खा है। Fuck, bro. This is rap, bro. You know this is rap, bro. ये मैंने रैप किया? Yes, bro. कविता ही तो गानी है, और अगर कमर्शियल रैप हो तो उसमें शॉर्टी, बिग शॉट, बेबी, ये सब चीजें डाल के एक लय में गा दे, bro. It's a rap. इसको लय? लय, लय में रैप, bro. लय में, ठीक है। ओए, कम बोल ले, नहीं मारूंगा मुक्का में। शक्ल से गांडू तू, लगता भी लुक्खा है। देसी सा कट्टर में तू, फ्लेवर का हुक्का है। या ब्रो, या ब्रो, कम ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी परफेक्ट ब्रो, ठीक है? तो सबसे पहले एक गुरु ढूंढना पड़ेगा ब्रो। यू नो व्हाट, मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ा रैपर था ब्रो, इसलिए मेरे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उधर जा और रैप सीख उनसे। पर ब्रा, रैपर बनने से पहले तुझे एक नाम डिसाइड करना पड़ेगा ब्रा। यू नो व्हाट, एमसी, एमसी मींस माइक कंट्रोलर। एमसी के आगे अपना नाम। मेरा नाम बाला, एमसी बाला छोटू, बाला छोटू, एमसी बाला छोटू, बाबला छोटू, बाबला छोटू, बीसी, बाला छोटू, एमसी बीसी,
MCBC, bro. MCBC, bro. MCBC. Yeah, bro. MCBC. By the way, we all are so happy that you have become such great Indian rapper. Wait a minute. Yeah, I'm not an Indian rapper, bro. I'm rapper from India. You see the difference? Oh, okay, sir. समझ आ रहा है सर। पेंचो क्या बोल रहे हैं? मतलब ये ग्लोबल लेवल पे। ओए ओए हन्नु, ओए क्या? क्या नॉट एन इंडियन रैपर? अबे एक बात बता, जिस आदमी ने तुझे पैदा किया है, उसके बदले पड़ोसी को पापा बोलता है क्या तू? Yeah. Fuck. Yeah. तब तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी बात सुन, हन्नु, तेरा फेम छीनने आ रहा है MCBC. Shut the fuck up. अरे सर आप मेरी बात सुनो, आप मेरे को और बताओ अपने बारे में। आज मजा आने लगा है। ये सब रिकॉर्ड करता रहियो, जब मैं बड़ा रैपर बन जाऊंगा ना तो ये सारी फुटेज करूंगा मैं देखेंगे, मैंने सब पता कर लिया पैंचो। बाकी चीते सी रफ्तार पकड़ के हम आ गए हैं रफ्तार भाई के घर, क्योंकि वही हैं जो मेरे सादे टैलेंट में अपना देसी स्वैग मिला के मुझसे एक चिल्ली को उस्ताद बना सकते हैं। ये है रैप का मंदिर, कहां है मेरे रैप के भगवान? कहां? एक एक करके ले, एक एक करके, एक एक करके मैं तेरा थप्पड़ मार के टट्टी निकाल दूंगा। पीछे हो, पीछे हो, एक के बाद एक, एक। अरे मुफाड़ तू यहां क्या कर रहा है? ये ले, ये ले, ये ले मुफाड़। ओपे सेव रफ्तार बना हुआ है भाई। नमस्ते रफ्तार। मैं MCBC। भाई क्या कह रहा है? क्या आप मुझे आप समय कितनी बार बोला है तुझे दांत मत लगाए कर, ऊपर आ। देख क्या रहा है, तुझे क्या लगता है जब भाई डॉली बन के कहते हैं मुंह में दे देंगे चौक को तो मजाक कर रहे हो? देखा आज रफ्तार बनी है। अच्छा रफ्तार भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। आप इतने बड़े रैपर हो तो सट्टा वट्टा खेलने की क्या जरूरत है मेरे भाई? क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? हाँ बहुत कमाते, तब ये जुआ सट्टा खेल के घर चलाना पड़ता है और डाइवर्स की एलिमनी भी तो देनी है। बढ़िया था भाई बढ़िया, पर बात तो ये भी ठीक कर रहा है, ये सट्टा को नहीं छोड़ दो ना, अब तो ये बिनोमो में ट्रेडिंग करके सही छाप रहे हो। बिनोमो भाई ये क्या है? अरे ये एक वो ना, रुक जा, मेरी वीडियो है, मैं बताऊंगा। सुन, बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यार, फुल रफ्तार वाला ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बना सकता है। पहले डेमो अकाउंट से ट्रेड सीख, फिर मेन अकाउंट से ट्रेडिंग कर और पैसे बना, और इजीली विड्रॉ भी कर ले बैंक अकाउंट में, एकदम ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग। अरे क्या बोल वचन कर रहे हो भाई, भाई को कर दो यार। रुक जा, तेरे को करके दिखाता हूँ। ये देख, ये मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ये मैंने अपना ट्रेड सेट कर दिया, और ये देख पैसे बना लिए मैंने। देखा, ऐसे बनाते हैं पैसे, समझा? वाह भाई, ये तो बहुत सही है यार। सही है ना, तो जा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बिनोमो पे पैसे बना, और 24/7 विड्रॉल भी है, कोई बीटी नहीं है, समझा मेरे भाई? और सुन, वहाँ पे रेफरल प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे तू अपने दोस्त को इनवाइट करके तू और तेरा दोस्त अच्छे बोनस का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा रफ्तार भाई, आपसे एक सीरियस बात करनी है, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या रैप गेम का बोनी कपूर बनने में, ताकि मैं स्टेज को श्रीदेवी समझ के हमेशा किल कर सकूं? प्याचो मेरे भाई, मुझे मेरे माँ की कसम है, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। समय रैपर बनने का पहला लेसन समझाई से। नहीं बन पाएगा तू रैपर। क्यों भाई? ना, ना। क्यों, 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 क्यों? रैपर बनने का पहला रोल, कोई तुम्हें अगर मारे तो उसको जवाब चाटे से नहीं, शब्दों से दे, समझा? मेरे और एमीवे दोनों की लड़ाई हुई थी, पर मैंने उसको मारा नहीं, उसको जवाब दिया शब्दों से, समझा? रा रफ्तार भाई, मैं हर थप्पड़ का जवाब शब्दों से ही दूंगा। भाई यार बहुत बढ़िया भाई, अरे सुन, तू ना शब्दों से ही जवाब देता रह जाएगा और तेरी कोई फिल्म बना देगा, समझा?
आपने अम्मी भी अबे सुन वो साला ना हत्ते नहीं चढ़ा नहीं तो थप्पड़ मार के ना टट्टू नहीं करता तेरे को रैप करना है ना तो म्यूजिक बीट को अपनी बीवी समझकर राइड और स्लैप कर समझा बहुत आनंद भाई बढ़िया क्या बकचोदी कर रहे हो हैं मदद करनी है तो बता ओए एंचो बावला छोटू के कंधे पर हाथ रख रहा है साले ऐसे चाटा मारूंगा ना देश की सीमा पार हो जाएगा कौन है तू अबे वो साले अरशद है वो अरशद 5 साल से मेरा बॉडीगार्ड समझा उसको देश से बाहर निकालने की बात करी ना तो सीने पे गोली खाऊंगा बहन की मगर क्यों अरशद क्यों ये अच्छा, तो मेरा भाई है सारी सेविंग्स लगा के सट्टे में डबल करके दूंगा गाड़ी के नीचे फरारी की सवारी आएगी पेंट हाउस आएगा सारे पैसे हार के मैं मदर चुप अरे जी साले अरशद पागल हो गया से निकलेगा रहा अरे अरशद अभी दुआ खिलवाऊंगा बढ़िया अरे मत कर रफ्तार भाई से मिलने के बाद मेरे रैपर बनने की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई है पर हार नहीं मानूंगा करके दिखा दूंगा मेहनत की छन्नी में टैलेंट को छानूंगा आगे मेहनत की छन्नी में टैलेंट को छानूंगा अंडा तू ले आ ऑमलेट में खा लूंगा अरे भाई ये कौन है अंडा तू ले आ ऑमलेट में खा लूंगा साबुन जो तू रगड़े तो पानी से मैं नहा लूंगा कॉलेज से खोलू मैं धीरे से डालूंगा डाला जो मैंने वे तेरी बहन को बच्चे उनको मैं नाजों से पालूंगा 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 ए ए चुप है पालूंगा 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 ए ए भाई ए पालूंगा पालूंगा मेरी बहन पालूंगा 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 ए चुप नहीं करना आगे मैं इनको पालूंगा ये करूंगा इधर इधर लिखा मैंने तेरे को कहीं देखा है नेजी दाबा कैसे हो मैं नेजी बोलने लगा नेजी दाबा कैसे हो भाई अभी बिग बॉस में भी गया नेजी दाबा हो ओरिजिनल गन बॉय मैं नेजी बोलने लगा था सॉरी भाई वो थोड़ा मैं भूल गया था शॉट हो गया था ना भाई अरे टैंचो आप इधर कैसे क्या कर रहे हो ये बिग बॉस पे था मैं पाजी के साथ चिल कर रहा हूं भूमिया भाई भी आए हैं कहां है ये तो रे द गोट आपकी तरह एक बड़ा रैपर बनना है तो मैं गुरु भी ढूंढ रहा हूँ तो आप मुझे रैप सिखाओगे ए तू ज्यादा फ्री क्या हो रहा है क्या बोल रहा है तू रैप सिखाओगे ये सिखाओगे रैपर हूँ मैं बिग बॉस कंटेस्टेंट हूँ मैं समझा गया रे अरे आप एक रैपर हो ना जो बिग बॉस में गए थे आपका गाना है मेरी गली में मेरी गली में एक नंबर बात मेरी गली में सॉरी भाई सॉरी वो थोड़ा शॉर्ट हो गया था ना मैं हाँ मैं रैप कर लेता है भाई फ्री स्टाइल रैप हार्ड रैप सॉफ्ट रैप पनीर रैप आगे रैप पीछे रैप सोते सोते रैप जगते जगते रैप हकते हकते नहीं यार वो तो एमवे करता है ना भाई पर ऐसे ऐसे रैप है ना मेरे पास कि मतलब सब शॉर्ट हो जाएंगे भाई तो भाई एक फ्रीस्टाइल रैप करते हैं ना फ्रीस्टाइल रैप मैं तेरे को बताता हूँ सुन तेरा नाम क्या है बावला 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 ए, इसका नाम है बावला नजफगढ़ के पास पड़ता है चावला बाल ज़्यादा टूटे तो खा तू आवला और लड़ है मेरा छोटा पर रंग है सावला और ठीक है समझ गया आता है आपको रैप आता है आता है ना भाई बढ़िया आता है बाकी बस अपने को एक गुरु मिल जाए ना तो और बढ़िया रैप हो जाएगा अपने पे भी एक फिल्म बनेगी भाई अरे नहीं नहीं गुरु मुझे चाहिए और फिल्म तो आप पे बन रखी है ना सॉरी भाई वो एकदम अभी शॉर्ट हो गया था ना मैं हाँ भाई क्या फिल्म बनी थी यार मेरे पे बिग बॉस बहुत बढ़िया था बढ़िया काम किया था बिग बॉस शो था गली बॉय थी रणवीर सिंह गली बॉय सॉरी भाई वो मैं थोड़ा ना वो शॉर्ट हो गया था भाई अच्छा नेजी भाई आप तलांजुम को सुनते हो क्या कौन ताला भाई कौन तलांजुम मैं नहीं जानता ताला ये पाकिस्तानी है भाई आपको नहीं पता तलांजुम कौन है
बहुत फेमस है पाकिस्तान। तो वैसे किसके आजकल मतलब गाने वाने सुन रहे हो आपको यार? बहुत फेमस है यार। सुनने हो आपकी तला यंग अभी यार एक नया आर्टिस्ट आया है मार्केट में, वो उसका गाना है कौन तला कौन तला, रैप में लिया तो जॉन तला, ये वही तला है बे कौन तला, अरे यही तो तला अंजुम का गाना है, तला अंजुम नहीं तो गाया ये? अच्छा तला अंजुम, हां भाई एकदम से मैं भूल गया था, वो अपने साथ बिग बॉस में था ना। अरे तला अंजुम क्यों होगा बिग बॉस में यार? मैंने कब बोला वो बिग बॉस में? पागल है क्या तू? तला अंजुम ने मेरे पे पिक्चर बनाया था गली बॉय, क्या पिक्चर दी भाई, सुपर हिट। ए चुप, मेरे को बता दे अगर हेल्प कर सकता है रैपर बनने में, नहीं मैं निकलूं। टाइम वेस्ट कर रहा है। ए तू ना ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना, तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? नेजीदा बा जिस पे गली बॉय बनी थी, बिग बॉस बनी थी, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। शॉट हो रहा है, शॉट हो रहा है, शॉट हो रहा है, ए भाई कौन तला रैप में लिया तो शॉट हो रहा है, शॉट हो रहा है, शॉट हो रहा है, कौन तला रैप में गली गली में, गली 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 में तेरे शूटरों का खास मेरी गली में, गली बॉय बिग बॉस गली बॉय, शॉट हो रहा है, शॉट हो रहा है, शॉट हो रहा है, शॉट, ए भाई कुछ याद नहीं आ रहा है भाई, कौन तला रैप में लिया तो डिवाइन से पूछ कौन तला, तो साले तला अंजुम तू यार, अबे तला अंजुम है तू, तला ए तू ज्यादा फ्री हो रहा है फिर मेरे आगे, तू तला अंजुम नहीं है, ए तेरा पासपोर्ट दिखा, गांजा गांजा भाई चलते हैं ना, शायद नहीं मिल पाएगा कोई। क्या क्या कह रहे बेंचो? मैं हार मान लूं? अबे तुझे पता है जिससे हम अभी मिलने आए ना, वो अगर हार मान के घर बैठ जाता तो पीटा उन बेबी, और वो क्या एड़े चाली चल रहा है, और अपना वो शेमड़े, ऐसे पोएटिक वर्ड्स का कभी जन्म ही नहीं हो पाता। किसके पास है? यही वो आदमी है जो मुझे रैपर बनाएगा और मेरी मझधार में फंसी नाव को पार लगाएगा। एमसी स्टैन बेबी पी टाउन, बेबी पी टाउन, राइट स्टॉप, पी टाउन, तू जरा देख ले क्यों टक्कर मुझको मारे, गान का अंधा है क्या प्यारे, सोनिए सोनिए किंग इज इन द बिल्डिंग, किंग किंग भाई बिग फैन, बिग फैन, बिग फैन, बट एमसी स्टैन नहीं है भाई, एमसी स्टैन के, ओह आई केम हियर फॉर द कोलैब विद सैनी हियर एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडी म्यूजिक हियर, या किंग भाई क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? Sorry, I talk only like this. Yeah, only like this. बाल गुंगराले भाई, बात सुनो। गार्लिक नान अगर गार्लिक ब्रेड बनने की ट्राई करे ना, तो बड़ी मनहूस लगती है। मत करो एक्टिंग, अच्छी नहीं लग रही। Oh, I'm not acting. Yeah, I only talk like this, and I'm wearing an Ami Khagana right now, and this is Amrapali. Yeah, yep. तो आप ऐसी बात करते हो? Yeah. Oh yeah. वैसे किंग भाई मैंने सुना है कि एमीवे आप पे डिस लिख रहा है। अरे भी फाड़ दूंगा मैं दो मिनट में, समझा ना, ये बच्चे बच्चे कितने भी बड़े ना, बाप से खेले हम आग से और खेलते हम राग से, समझा? ओह या यप आई नो इज मेकिंग समथिंग शिट ऑन मी। या अबे भाई क्या हो गया यार, जब तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर का दिल्ली वाला शांत नहीं बैठ रहा, फूट फूट के बाहर आ रहा है बार बार, तो क्यों दबा रहे हो उसे? किंग भाई मेरी बात सुनो, नकली एडिडास से ज्यादा वैल्यू असली बाटा की होती है, बाटा बनो यार, बी ओरिजिनल। तू वर्जिन है? हाँ अब नहीं है भाई, तूने बहुत बढ़िया बात चोदी आज, सही कह रहा है, बाटा ही बनना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए, और ये बाटा की चप्पल जब मारूंगा ना एमवीए के सर पे, तब पता है क्या गाऊंगा? ये भी मैं सर तेरी गान, क्यों सब की यार मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ ये चल चलता हूं मेरी जान, बाद में मिलते हैं। अरे मेरे प्यार का आतंक मचाया है जाते जाते, एक चीज तो बता दो, रफ्तार भाई ने क्या बात बोली थी भाई? बहुत तगड़ी बात बोली थी भाई ने, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बता दूं? हां इधर आ। तो उन्होंने बोला था छीन टपाक डम डम, चल चलता हूं। कुछ ना मुझको भाता ब्रो, ये ऐसे ही मैं रहता ब्रो। बहुत बढ़िया स्टैंड भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये मेरा लड़का ना आदित्य है,
ये आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ स्टैन भाऊ, मेरे को तो आपके जैसा ही बनने का है। अरे आदित्य मेरी बात सुन, तू बहुत सही जा रहे है ब्रो, तू सिर्फ अपने डैड की सुन, तू जैसा भी कर रहा है ऐसे ही करता रहे, सिर्फ अपने डैड की सुन और किसी की मत सुन, ठीक है? हाँ भाऊ। भाऊ भाऊ एक गाना गाओगे, रिकॉर्ड कर लूँ? अरे आदित्य क्या बात करता तू भी, तू मेरे केयर टेकर चाचा का लड़का है, दिल्ली में जरूर गाऊंगा भाई, चल तू रिकॉर्ड कर। तेरे झोपड़े में मिला, तेरे होजड़े में कितने, तेरे चल चले के दिखा, हाँ चल चले के दिखा, आदित्य यूं बैठा है क्यों है, चल के दिखा, उठ के दिखा, भाग के दिखा, चल के दिखा, हाँ चल चल के दिखा, चल चल के दिखा, आदित्य बैठा क्यों है, उठ के दिखा, चल के दिखा, चल चल के दिखा, चल चल उठ जा दिखा। शक्ल के कोने रे तू, अंदर कैसे आया? बावला छोटू AKA MCBC। हाँ तो अपनी MCBC इधर कराने को काय को आए? नहीं नहीं एक्चुअली आपसे आपकी वाइब लेने आया हूँ, आप समझ रहे हो ना पैंचो? समझा शेमड़े, क्या रे पी टाउन बेबी, क्या ब्रो पहले बोलता ना मेरे को, अभी मालूम पड़ा तेरे को क्या चाहिए। ये ले 600 की पुड़िया है, मेरे भाई लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, ठीक है रख ले रख ले। क्या कर रहे हो, ये क्या है? ये गांड के 600 से कम नहीं होगा, 500 दे देगा लास्ट, इससे कम नहीं होगा। अरे पेंचो इसको पकड़ो यार, पेंचो मुझे रैपर बनना है यार। पहले मेरे को ये बता ब्रो, तेरे को रैपर बनने का ही कोई मतलब? स्टैंड भाऊ वही है पेंचो, फेम आएगा, थोड़ा सा पैसा आएगा, गाड़ी बंगला, लड़कियां वड़कियां भी थोड़ी आएंगी, मतलब एक के साथ सोऊंगा, दूसरी के साथ मैं नहाऊंगा, चौथी के साथ खाऊंगा, पांचवी। तू रैपर बनना है तेरे को या मुनावर? क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? वो नहीं वरना शो में ऑडियंस से पहले पुलिस आ जाएगी, क्या फायदा? नहीं नहीं हाँ तो मेरे भाई रैपर अपने लिए बनना, अपनी माँ के लिए बन, पैसा वैसा सब आ जाएगा बाद में देख। वैसे भी ना आने वाला फ्यूचर मम्मल रैप का है भाई, ठीक है मम्मल रैप पे ध्यान दे। मम्मल रैप सिखाइए ना मुझे, फाड़ दूंगा। चल मैं तेरे को बताता है मम्मल रैप क्या होता है, ध्यान से सुनने का, ठीक है भाई? कुछ बोलो ना, रैप गाओ ना। ये अभी बोला तो, अबे ध्यान से सुन, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुन। कुछ नहीं समझ में आ रहा, लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा, सर में कुछ मतलब हिंदी इंग्लिश कुछ जुबान से बोलो ना, रैप में बोलो। शेमड़े तू सुन, तू सुन ध्यान से सुन, ध्यान लगा मैं क्या बोल रहा है, ठीक है सुन। अब चुप, छपरी समाज में चुप भंगड़ा करने वाले साले, मेरे को रैपर बनना है, रैपर कभी खो दिया ना तो रोएगा, माँ की इज्जत कर, क्या मालूम तुम लोगों को यार माँ कैसी होती है। सोले की माँ की चित में बहिर मेरा, इसी का गाल है भाई यार। तेरी माँ का टंटा खोलूं। ए शेमड़े लाउड़े, 80,000 के सूद है, 80,000 के, उसको नीचे रख, नीचे रख, मालूम क्या रे, बिकेगा तेरा घर बिकेगा शेमड़े। ए शेमड़े मार दो, शेमड़े साले शांत, शांत शांत रुक जा शेमड़े, शांत हो रे, पेंचो बोल रहा हूँ, रैपर बनना, रैपर बनना, पागल बना के रखा है साला, नहीं कर सकते मैंने तो पागल बना के रखोगे तू? शांत 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 हो, शांत हो जा शेवड़े, मेरी बात सुन, ये रैप भी इतना फालतू की बात अविता नहीं है, इसको करने के शब्दों का गेम है, इसको करने के लिए शांत रहना मांगता है, दिमाग का, तेरे बॉडी का, तेरे पाँव का, तेरे झाटा का, शांति मांगता है, पूरा शरीर शांत। अरे तो कैसे शांत हूँ, योगा की घुट्टी पीऊँ क्या करूँ? काई ट्रिप रुकना, ये ले
बाबा जी की बूटी भी इसको लेकिन कैसे कब में मैंने कभी पिया नहीं है तेरी में कि क्या पकड़ा रहा है मेरे को पागल हो गया क्या भाई मैंने कहां पकड़ा आप ही ने तो मेरे नहीं पागल अच्छा आप मेरा टेस्ट ले रहे हो ना फिर से मेरी बात सुनो मैं गांजा पीऊंगा दिन रात पीऊंगा ये नशा बिशा मत कर दिन रात पीऊंगा गांजा अरे पी टाउन में भी कोई नहीं पीता मेरे भाई ये सब पागल है क्या तू शेमड़े लेकिन मैं पीऊंगा और अपना दिमाग शांत करके रैप लिखूंगा अरे मान जा मत पी गांजा मेरे भाई मान जा बेकार चीज है नशा बिशा बेकार है रैप पीऊंगा नहीं मानता पीऊंगा गांजा गांजा पिएगा सलाम साहब वो वाला आदमी तुझे जब से समझा रहा है मत पी गांजा तो तू उसकी बातों पे मूत्रा सही कह रहे हो साहब भाई ये देखो ये साला शेमड़ी अभी गांजा पी रहा था वो तो साहब लोग आ गए अभी ये देखो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा पूरे यूथ से देखो यूथ कैसे गांजा पी के बर्बाद हो रहे लाइफ में जाने एक इधर को खो रहे माँ बाप इनके वेट के रो रहे ये अपनी हाथों से अपने मौत का बीज बो रहे खुल के जियो गांजा मत पियो खुल के जियो गांजा मत पियो मैंने बचाई इसकी बेटी अब ये कौन है बे ये कौन है सालो इतना मारा है ना एक एक थप्पड़ का जवाब मुंह में बड़ा रैपर बन गया तो बावला छोटू डाले मेरा अच्छी नींद से अब ये कौन है जेल में बैठा पता नहीं क्या हुआ भाई तुझे क्यों अंदर डाला है बहुत दिनों से एक जानवर मेरी बहन को परेशान कर रहा था ध्यान से मार डाला उसको दोषी जो साथ था टांगे भी तोड़ी और हाथ भी तोड़े थी लड़की अकेली क्या ये उसका बाप था क्या यार क्या मैसेज है यार शुरू का सारी वीडियो एक तरफ सही बात है यार हैट्स ऑफ यार इस तरह के मैसेज क्रिएटर होने चाहिए सच में यार कमाल किया इस मैसेज दिया है बहुत अच्छा मैसेज सच में इसने जो मैसेज दिया ना उसकी जो जस्टिस है वो तो उस पे सारे वेट कर रहे हैं बिल्कुल लेकिन भाई यार जो भी इन्होंने यार एक कंटेंट क्रिएटर को कैसा होना चाहिए बता दिया यार कमाल और ये एआई का बाप है बंदा वाकई में इसके सामने कुछ नहीं है इसने रफ्तार का किया किंग का वो चीन टपाक डम डम वो बड़ा कमाल था स्टार्ट में जो था
जितना फनी शुरू पे वीडियो जितना फनी थी उतनी लास्ट में सैड हो गई यार वीडियो। और एक मैसेज दिया गया है यार कि माशरे का बताया गया सब मल्टी टैलेंटेड बंदा यार, मल्टी टैलेंटेड, इसमें टैलेंट की कमी, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है पूरा भाई के अंदर है। गाइस कैसी लगी वीडियो यार बताना, सच में इस वीडियो ने इमोशनल सा कर दिया है। और लास्ट में जितना हंसाया ना, जितना हंसाया ना उतना लास्ट में इमोशनल मजा आया। गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना अपनी राय, कैसा पार्ट फेवरेट था, मेरा तो लास्ट वाला, मेरा लास्ट वाला और हर यार वीडियो का एक अच्छा अपना ही वो था यार, तो अपनी राय लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।